हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास। आज की क्लास में हम फिर से एक नया मॉडिफायर सीखेंगे। तो चलिए मॉडिफायर के लिस्ट में चलते हैं और देन हम यहाँ पे चलते हैं एसटीएल चेक। इससे ऊपर जैसे स्क्वीज है, ठीक है, ये सब बाकी का स्मूथ ये सब बता चुके हैं। तो ऊपर के जितने भी मॉडिफायर हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और यहाँ पे आई आइकन पे भी लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज हम सीखेंगे एसटीएल, ठीक है, एसटीएल मॉडिफायर ये क्या काम करता है। ठीक है, तो एसटीएल मॉडिफायर के बारे में जानते हैं। देखिए एसटीएल मॉडिफायर है ऐसा कुछ, आपका ही कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके आप जो भी मॉडल है, अच्छा सबसे ज़्यादा यूज जो होता है जब आप 3D प्रिंटर वगैरह में कोई मॉडल ले जाते हो तो उसके लिए आपका मॉडल सही है या नहीं, कहीं कोई एज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। हालांकि ये और भी पर्पस में काम आता है, बाकी बाकी वैसे कहीं मुझे सिर्फ फोटो देना है या थोड़ा सा एनिमेट करना उतना पता नहीं चलता है, लेकिन मेनली जो 3D प्रिंटिंग के लिए, अगर 3D प्रिंटर के लिए अगर फाइल देना है STL का, तो वहाँ पे आपको एक बार STL चेक कर लेना पड़ता है फाइल में कोई इरर तो नहीं है या वर्टेक्स वगैरह ऐसा तो नहीं है कि अनवेल्ड नहीं है तो आप ऐसा कुछ यहाँ जाने के बाद चेक पे क्लिक करते हो। कुछ सेकेंड का देख रहे 100% हाँ, अब ये कुछ सेकेंड का टाइम 1 से 2 सेकेंड का लेने के बाद आपको बता देता है। यहाँ पे बता रहा है मेरे इस मॉडल में इरर है, तो ये एरर क्या है, 10 एरर बता रहा है। चलिए देखते हैं। ये अभी जैसे कि एक एक तो बहुत छोटे छोटे इसमें वर्टेक्स है और जैसे यहाँ पे और छोटे भी है, तो वैसे ये पता नहीं चल रहा है, देख लेता हूँ पता चल रहा है कि नहीं। रेड कलर का वैसे आ जाता है, मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या रेड वो आ जाएगा जब आप इसे करोगे ना अपने मॉडल पे, तो रेड लाइन बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इरर है। अगर बाई चांस ऐसा ना हो, चलिए अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है बाई चांस, अगर आपको पता चले कि नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे। एक और सेम काम करने का तरीका होता है, मान लीजिए मैं STL को थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूँ और यहाँ पे जाओगे आप एक्स व्यू पे, देख रहे हो ये प्लस, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे एक्स व्यू, यहाँ एक्स व्यू पे जाओगे, कोई इसमें तो उससे भी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, किसी पे भी आप सेलेक्ट कर लो। मान लो मैं ओपन एज कर ले रहा हूँ, जैसे ही आप करोगे फिर से आपको देखिए ऐसे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जब जूम करके देखना चालू करोगे देखिए यहाँ पे आपको दिख गया। तो ये ना उसमें भी आपको रेड, यहाँ देखिए यहाँ पे ये ग्रीन आपको दिख रहा है ना, बाकी हर जगह ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या कि ये वर्टेक्स जरूर जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इसे सेलेक्ट करूँ, ये देखिए ठीक है 1 2 3 4 ये वर्टेक्स जो है वो आपस में क्या हो रखा है, आपस में नहीं जुड़ा हुआ। अगर एक्स में फाइल करके देखूँ ऐसा कुछ, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगा, इसे अच्छे से सेलेक्ट करूँगा पहले तो, सॉरी ये बैक का सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है हाँ बैक का हो गया, कोई नहीं। तो पहले तो हम एक्स व्यू से A4 ये है, हम क्या करेंगे ऐसा कुछ जाएंगे, ठीक है, एंड ऐसा कुछ हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है, ये देखना है बैक का कोई वर्टेक्स सेलेक्ट ना हो गया हो, अल्ट से डिसेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या बैक फेसिंग ऑन कर सकते हो और इसे आपको कर देना है यहाँ वेल्ड, ठीक है। देखिए वेल्ड करते ही देख सकते हो अब सिर्फ इतना सा एरिया रह गया, यहाँ पे भी हमें क्या करना है सेलेक्ट, पक्का बैक में कुछ हो गए होंगे, डी सेलेक्ट, बैक फेसिंग भी ऑन कर सकते हो और यहाँ पे भी आ जा करके वेल्ड, देख रहे हो वेल्ड कर दिया, प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो ये आप एक्स व्यू से भी कर सकते हो ये वाला। अब हम मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूँ, मैंने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, ये भी सेम काम करता है, एक्स व्यू भी सेम काम करता है, जो मैंने अभी कट किया था उसे फिर से अपना वही मॉडिफायर ले आता हूँ, ठीक है STL। अब आप यहाँ पे जब करोगे नो एरर, जो आपका एरर आ रहा था वो अब नो एरर, मतलब ये अब 3D प्रिंटिंग के लिए ये फाइल ओके है, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो छोटा सा प्रॉब्लम था, ऐसा प्रॉब्लम आपके मॉडल में भी हो सकता है, वो आपका ये STL चेक करके आप देख सकते हो। यहाँ पे चेक दबाओगे कुछ सेकेंड का टाइम लेके, वो बता देगा आपको कि आपके फाइल में कहीं पे भी प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है।
ये है, इस तरह से आप STL चेक कर सकते हो। STL चेक कर लो, STL चेक भी आपका सही है और उससे भी परफेक्ट है। एक्स व्यू इसमें उससे भी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है, तो दोनों सेम ही है। तो ये रहा आज का टिप्स एंड ट्रिक्स, आज का मॉडिफायर का क्लास। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, हिट कीजिए लाइक बटन को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ऐसे चेक करें वो अपने फाइल को कि कोई एरर तो नहीं है और सारे लोग सीख सके। वेट कीजिए एक और फिर नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास का, मॉडिफायर का क्लास का। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आपको कुछ जो भी अपडेट है वो मिलता रहे। और अगर अभी अभी आप जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट आ रहा है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो हिट कर दीजिए लाइक बटन को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।